टेक्निकल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सारी वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों एक्सेल फॉर बिगनर्स के इस चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम एक्सेल की पहली वीडियो में काफी कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, क्योंकि आप एक्सेल सीख रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेल क्या है। एक्सेल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि कहीं पे भी अगर आप 12th के बाद इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सबसे पहला मैक्सिमम सवाल यही होता है कि क्या आपको एक्सेल आता है। दूसरी चीज़ और भी सुनी होगी आपने कि क्या आपको एडवांस एक्सेल आता है। अब एक्सेल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ये जानने वाली बात है। देखिए एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक अकाउंटेंट के लिए वर्क किया जाता है। मतलब अगर आप अकाउंटेंट का काम करना चाहते हैं, अकाउंटेंट क्या होता है कि कंपनी का अकाउंट मैनेज करना, या फिर हम बोले कि कंपनी में जितने भी वर्कर है, जितने भी एम्प्लॉय है, उनका लेन देन, उनकी सैलरी, पीएफ, ईएसआई, वो सारा कुछ मैनेज करना। इसके अंदर में जो बिल फॉर्मेट्स होते हैं या फिर और भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होते हैं या फिर कंपनी के प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सभी चीज़ें एक्सेल में की जाती है। तो अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो तो भी आपको एक्सेल सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मली कंप्यूटर पे जॉब ढूंढ रहे हो 12th के बाद, तो भी मैक्सिमम जगह आपको ये पूछा जाएगा कि क्या आपको एक्सेल आता है या नहीं। तो एक्सेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए होंगे कि एज एन अकाउंटेंट आपको वर्क करने के लिए एक्सेल ज़रूर आना चाहिए। एजेस क्लियर हुई। अब इसके बाद बात करते हैं, जो एक्सेल है ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। माइक्रोसॉफ्ट वही जो बिल गेट्स, जो कि एक टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, तो उनकी कंपनी और उन्हीं की कंपनी ने ये जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ये बनाया। अब इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कई सारी चीज़ें हैं जो आप पॉइंट टू पॉइंट सीखेंगे और बेस टू बेस हम सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है विंडो प्लस आर। जब आप विंडो और आर प्रेस करते हो तो यहाँ पे खुल जाता है रन। तो रन में हम क्या है, यहाँ पे लिखेंगे EXCEL। अगर आपके सिस्टम में एक्सेल है तो नॉर्मली आप ये लिखने के बाद जैसे ओके करेंगे आपका एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे एक ओवरव्यू आपको नजर आ रहा है, जहाँ पे साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है रीसेंट। रीसेंट मतलब कि ये वो फाइल्स हैं जिनको मैंने हाल ही में यूज किया है, तो उनकी एक लिस्ट आ रही है मेरे पास। साइड में आपको कुछ बने बनाए यहाँ पे फॉर्मेट नजर आ रहे हैं। मतलब अगर आप एक्सेल चलाना जानते हो और इनमें से किसी फॉर्मेट से आपका काम आसान बन सकता है तो आप ये फॉर्मेट ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम हैं बिगिनर्स, क्योंकि अभी तो हमारा पहला ही दिन है एक हिसाब से, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं ब्लैंक वर्कबुक पे। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो आपका जानना ज़रूरी है। सबसे पहले बेसिक तौर पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ और पॉइंट टू पॉइंट हम और भी चीज़ों को लेके चलेंगे, जिससे क्या हो कि आप बोर भी ना हो और आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट मिल जाए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे टर्म आती है रो और कॉलम, ये ध्यान देना है, रो और कॉलम। आपने नॉर्मली, आपको पता होगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है, जैसे ये जो मैंने सिलेक्शन किया है इसको बोलते हैं रो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन एक रो है, टू एक रो है, थ्री एक रो है। मतलब जितना भी हॉरिजॉन्टल पैटर्न में ड्रैगेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, रो। तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर जितना भी ये न्यूमेरिक बार है हमारे पास, इसको बोला जाता है रो। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से जो वर्टिकल पोर्शन में आप सिलेक्शन देख पा रहे हो उसको बोलते हैं कॉलम। यानी कि ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो अल्फाबेटिक बार आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं कॉलम। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे रो क्या है कि ये जो न्यूमेरिक बार है ये है रो, और ये जो अल्फाबेटिक बार है ये है कॉलम। अब यहाँ पे एक चीज और, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में कि एक्सेल की जो शीट है, नॉर्मली आप यहाँ पे जो ये शीट पे देख पा रहे हो ये इतनी नहीं है। अगर आप यहाँ पे इसको नॉर्मली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते तो देखिए और आगे जा रहा है, ये पेज आगे जा रहा है। आप नीचे आना चाहें तो देखेंगे आप ये और नीचे आ रहा है। तो एक सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक्सेल में कितनी रो होती है और कितना कॉलम होता है। यानी कि ये जो गिनती आप देख पा रहे हैं जो अभी 23 तक दिख रही है, अगर मैं नीचे आते जाऊं तो ये कहां तक होगा, इसका एंडिंग पॉइंट कहां तक होगा। तो आप शॉक हो जाएंगे जान के, जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो पूरी शीट सेलेक्ट होती है और ये आपको बताएगा कि यहाँ पे जो काउंटिंग आप देख रहे हो 23 तक, ये है 10,48,576, जो कि आप ऊपर यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इतने रोज होते हैं इसमें,
और यहाँ पे 16,384 कॉलम होती है, मतलब ये जो ए बी सी डी अगर आप वन बाय वन इसको गिनोगे और एंड तक जाओगे तो 16,384 कॉलम होती है। तो ये ध्यान रखना आप, अगर आपको अपने खुद के उस सिस्टम में चेक करना है आप इस ऑप्शन पे क्लिक करो, ये आपको बताएगा 10,48,576 रो है और 16,384 कॉलम है। क्लियर हो गया, तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। इसके बाद यहाँ जितने भी बॉक्स आपको दिख रहे हैं, बेसिकली क्या है कि जब रो और कॉलम आपस में टकराते हैं तो ये बॉक्स बनते हैं, तो इन बॉक्सेस को बोला जाता है सेल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इन बॉक्सेस को हम क्या बोलते हैं, सेल। इसके बाद हर एक सेल दो चीजों से मिलकर बना है, इसमें एक कॉलम है और एक रो है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जी क्या है कॉलम और ये फाइव क्या है रो, तो इस वाले सेल का नाम क्या है, G5। ये होता है नेम बॉक्स जो आपको नेम शो करता है। तो यहाँ पे इसका नाम देखेंगे आप I4, इसका नाम हमने देखा B4, आप यहाँ नेम बॉक्स में देख पा रहे होंगे। इसके बाद नॉर्मली जब भी आप मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने मल्टीपल सेल को सेलेक्ट किया, तो इसे बोला जाता है रेंज। आप ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे नेम बॉक्स में कि यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि मैंने कितना रेंज सेलेक्ट किया है, मैंने 12 रोज और 5 कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नॉर्मली मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ए बी सी डी 4 कॉलम है और 2 से लेकर 7 तक यानी 6 रोज है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे जो लोगों को कंफ्यूज करता है कि यहाँ पे शीट क्या होता है और वर्कबुक क्या होता है। देखो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हो तो वहां पे जो आपका पेज खुल रहा है, जो भी मेन होता है, उसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट। इसी तरीके से जो आपने एक्सेल खोला, आपकी जो एक्सेल की एक प्रॉपर फाइल होती है, उसको बोला जाता है वर्कबुक। क्या बोलते हैं, वर्कबुक। मतलब ये जो हमने खोल रखा है, जो पूरा ओवरव्यू आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, वर्कबुक। अब इस वर्कबुक में आप मल्टीपल शीट्स ले सकते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपने चलाया होगा तो उसमें आप मल्टीपल पेजेस ले सकते हो, एक से ज्यादा पेज। उसी तरीके से इसमें हम एक से ज्यादा शीट ले सकते हैं। नॉर्मली आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास शीट 1 है तो ये एक पेज हो गया। अब यहीं पे साइड में न्यू शीट पे जब आप क्लिक करोगे तो एक और नई शीट आ गई। आप देख सकते हैं ये अलग शीट है, ये अलग शीट है। अब इसका यूज क्यों करते हैं, जाहिर सी बात है कि जैसे एक ही वर्कबुक पे हमारी कंपनी की वर्कबुक हो गई, इस वर्कबुक में यहाँ पे मैंने शो कर दिया कि यहाँ पे सैलरी शीट बना ली मैंने, कंपनी में क्या सैलरी है, क्या पीएफ, क्या ईएसआई है, वो चीज है। और यहाँ पे मैंने अटेंडेंस शीट बना ली, यहाँ पे मैंने कुछ और बना लिया, यहाँ पे कुछ और। तो इस तरीके से एक ही वर्कबुक में आप मल्टीपल शीट्स ले सकते हो और कई सारे काम सिर्फ एक प्रॉपर फाइल में आप सेव करके रख सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्सेल की फाइल है इसको बोलते हैं वर्कबुक, और ये जो नीचे आपको शीट दिख रही है, जो जिनको आप पेजेस मान सकते हो एक हिसाब से, इसको हम शीट बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद सबसे पहली चीज, यहाँ पे जो आपको पूरा अरीना ये दिख रहा है, मैंने कुछ बेसिक्स आपको बताए जो जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो और कई बार ये वाले बेसिक सवाल ही पूछे जाते हैं कि रो क्या है, कॉलम क्या है, एक्सेल में कितने रो और कॉलम होती है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद ये जो एक्सेल की फाइल में आपको ओवरव्यू नजर आ रहा है, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये इसको बोला जाता है मेन्यू बार। क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। यहाँ जितने भी ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं इनको बोला जाता है टूल्स, ठीक है। बेसिकली आप कोई भी एडिट करोगे, कुछ भी नई चीजें इसमें करोगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, टूल्स। तो यहाँ पे हर एक सेक्शन में, हर एक टैब में, जैसे इंसर्ट टैब आपने खोला, यहाँ अलग टूल मिलेंगे आपको, पेज लेआउट में अलग टूल्स, फॉर्मूला में अलग टूल्स, डेटा में अलग टूल्स, रिव्यू में अलग टूल्स, तो सब में आपको अलग अलग टूल यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, नेम बॉक्स जो आपको सेल या रेंज का नाम बताता है। इसके बाद ये होता है फॉर्मूला बार। आप नॉर्मली एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट करोगे, अभी हम आगे प्रैक्टिकल समझेंगे इसका, तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू समझ में आ जाएगा कि क्या फॉर्मूला आप टाइप कर रहे हो, वो पूरी चीज यहाँ पे शो होगी। प्लस में ये जो एफएक्स आपको दिख रहा है, जब आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सेक्शन खुल जाता है इंसर्ट फंक्शन का, मतलब अगर आपको कोई फॉर्मूला डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये चीजें हम अभी आगे सीखेंगे, आपको यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसके बाद इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ए, ये जो ए बी सी डी सीरीज है, इसको बोला जाता है अल्फाबेटिक बार, जिसे हम बोलते हैं कॉलम। ये जो 1-2 फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है, ये है न्यूमेरिक बार, जिसे हम बोलते हैं रो। जितने भी बॉक्सेस आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, इसे हम बोलते हैं सेल। नीचे वाला ये जो सेक्शन है, इसको हम बोलते हैं शीट। ये आपका स्क्रोल बार है, जिसकी मदद से आप पेज को या शीट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसे आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको कुछ लेआउट मिल जाते हैं। नॉर्मली जो हमारा लेआउट होता है, नॉर्मल लेआउट, वो ये है।
अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे पेज लेआउट, तो अलग अलग पेज में बटा हुआ लेआउट आपको यहाँ मिल जाएगा। मैं इसे थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, आप देख पाएंगे। तो पेज बाय पेज, जैसे A4 शीट आप जो प्रिंट करते हो उस फॉर्मेट में ये आपको डिवाइड हो जाएगी जो आपकी पूरी शीट है। ये आपका पेज ब्रेक व्यू हो गया, जिसमें आपको ये नॉर्मल इस तरीके से दिखेगा ब्रेक फॉर्म में, तो इस पर कोई ध्यान नहीं देना है। नॉर्मली हम आ जाते हैं नॉर्मल लेआउट में, जिसमें हम काम करते हैं। अब क्योंकि हमारी एक्सेल की पहली वीडियो है, पहला क्लास है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम सीखेंगे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करना। देखिए, नॉर्मली अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कुछ नंबर्स है मेरे पास, जैसे इंग्लिश हिंदी मैथ के नंबर से आपको टोटल निकालना है, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने यहाँ कुछ नंबर्स लिखे 45, 98, 74, 85, 65, राइट। अब मुझे क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो एक्सेल में अगर आप फॉर्मूला इंसर्ट करते हो या फिर कोई भी मैथमेटिकल एक्शन करते हो, तो ध्यान रहे कि सबसे पहले आपको क्या डालना होता है, इक्वल। क्या डालेंगे, इक्वल। इसके बाद आपको इन्हें सेलेक्ट करना है, जैसे इस सेल को हमने सेलेक्ट किया, इस सेल को सेलेक्ट किया, इस सेल को, प्लस इस सेल को, प्लस इस सेल को, ठीक है। टाइम थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन इसका बेनिफिट भी है। अब देखो यहाँ पे 367 है, मैंने टोटल निकाला। अगर मैं इस 45 को 100 बना देता हूँ, आप देखेंगे जैसे मैं एंटर करूंगा, आपको ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे मैंने एंटर किया, ये जो 367 था ये वैल्यू चेंज हो गई, ये 65 है। मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ, और जैसे एंटर किया वो जो वैल्यू है वो चेंज हो गई। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप सेल को सेलेक्ट करके कोई भी मैथमेटिकल एक्शन कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट बाद में भी मिलेगा। अगर आप उसमें कोई भी करेक्शन करते हो, कुछ भी एडिटिंग करते हो, तो उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपको बाद में मिल जाएगा। इसके बाद सेम इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मली हमने लिखा 100, एंटर किया हमने लिख दिया 52, नीचे आए हमने किया इक्वल, इसे सेलेक्ट किया, माइनस हमने इसको सेलेक्ट किया और प्रेस किया एंटर, तो यहाँ आ गया 48। तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल सिंबल्स हैं वो आपको नंबर पैड सेक्शन में मिल जाएगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा 100 और मैंने लिखा 2, नीचे आए इक्वल, जैसा कि मैंने बताया है आपको कोई भी चीज़ मैथमेटिकल एक्शन करने से पहले इक्वल, 100 सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई, और हमने सेलेक्ट किया 2, प्रेस किया एंटर, आपके सामने मल्टीप्लाई। इसी तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई ऑपरेटर के साइड में ही आपको डिवाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा 100, नीचे लिख दिया 5, और हमने किया इक्वल 100 डिवाइडेड बाय 5, सो आंसर इज 20। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो नॉर्मली अभी यहाँ पे आपको ऑपरेटर समझ में आ गया कि अगर आपको एक कैलकुलेटर का काम कुछ भी करना है, तो वो चीज़ आप आसानी से एक्सेल में कर सकते हो इक्वल का यूज करके। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे वो है टोटल फाइंड आउट करना, फॉर्मूले के थ्रू और सिलेक्शन के थ्रू और एक शॉर्टकट के साथ। तो यहाँ पे नॉर्मली आते हैं, मैंने यहाँ पे एक डेटा क्रिएट किया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक नॉर्मली डेटा क्रिएट कर लिया है। तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि आप इक्वल करो, आप सेल को सेलेक्ट करो, प्लस क्या हमने ये वाला सेल सेलेक्ट, प्लस ये वाला सेल सेलेक्ट, प्लस ये वाला किया और प्रेस किया एंटर, तो हमने एक का निकाला। अब आप इस सेल को सेलेक्ट करो और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको एक स्क्वायर नजर आ रहा होगा बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे, तो आपको क्या करना है, इस पे लेके जाना है, और जब ऐसा सिंबल आए, आप देख सकते हैं कि पहले जो मेरा पॉइंटर था ये मोटा वाला प्लस आ रहा है, और जब आप बिल्कुल स्क्वायर पे लेके जाओगे तो ये नॉर्मली इस तरीके का प्लस आएगा, बिल्कुल एक मतलब पतला प्लस आएगा। आपको लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट करना है और नीचे ड्रैग करना है। अब आप देखेंगे मैंने सिर्फ एक का निकाला था और बाकी सबका ऑटोमेटिकली अपने आप ही निकल गया। क्लियर हो गया होगा, ये तो हुआ नॉर्मली पहले वाला तरीका। इसके बाद अभी हम करेंगे फॉर्मूला, तो हमने किया इक्वल SUM सम। अब इसके बाद आपको टैब का बटन दबाना है, नीचे देखिए सजेशन सेलेक्ट है सम, तो जब आप टैब दबाओगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला शुरू हो जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, फॉर्मूला शुरू हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो नंबर्स है इनको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। दोबारा मैं बताता हूं आपको कि यहां पे हमने ब्रैकेट शुरू किया और यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करना है, ड्रैग करना है। तो देखिए रेंज आ गई यहाँ पे कि B2 से लेके E2, B2 वाला सेल से E2 वाले सेल तक यहाँ पे हमारी रेंज आ गई। हमने ब्रैकेट को बंद किया और प्रेस किया एंटर, आपके पास मार्क्स आ जाएंगे। तो नॉर्मली तरीका आपको बताइए, आपको यहाँ जाना है ऐसा प्लस वाले सिंबल आने पे, आपको इसको क्या कर देना है,
ड्रैग कर देना है और ये आ जाएगा। क्लियर हो गया। तीसरा तरीका, इससे भी शॉर्टकट, ठीक है, आपको प्रेस करना है ऑल्ट प्लस इक्वल का बटन, प्लस मत दबाना, ऑल्ट और इक्वल। तो एक उंगली से आपको ऑल्ट दबाना है और यहाँ प्रेस करना है इक्वल। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सम का फॉर्मूला आ गया और रेंज भी सिलेक्ट हो गई। प्रेस करना है एंटर और जो मैंने आपको बताया नॉर्मली इसे ड्रैग करने के लिए वो आप ड्रैग कर दो और ये चीज आ जाएगी। सो बेसिकली ये एक्सेल का पहला वीडियो था। थोड़ा बहुत आपने ओवरव्यू समझा कि एक्सेल क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, साथ ही में आपने इसके कुछ बेसिक्स चीज़ों को समझा। इसके साथ में हमने यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की प्लस में टोटल निकालने का एक फॉर्मूला और शॉर्टकट मैंने आपको बताया। नॉर्मली मैं और भी चीज़ इसमें कवर कर सकता था लेकिन जाहिर सी बात है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप हो सकता है कि थोड़े बहुत बोर हो जाओ, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एक्सेल का वीडियो समझ में आया तो प्लीज गाइस इसे ज्यादा से ज्यादा लोग के बीच में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि वीडियोस तभी रैंक करेंगे जब आप सपोर्ट दिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और थैंक यू।